हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इंटरनल कैप्सूल के पार्ट्स वगैरह सब बात कर ली थी, क्या होता है इंटरनल कैप्सूल, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कैप्सूल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ फाइबर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जा रहे होते हैं, वो होते हैं सेंसरी फाइबर्स, और कुछ फाइबर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं नीचे की तरफ, वो होते हैं मोटर फाइबर्स। तो इंटरनल कैप्सूल में मोटर फाइबर्स भी होते हैं, सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, दोनों तरह के फाइबर्स प्रेजेंट है इंटरनल कैप्सूल के अंदर। तो एक एक करके सारे फाइबर्स देखते हैं, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं हमारे इंटरनल कैप्सूल में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारे मोटर फाइबर्स से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? मोटर फाइबर्स से। मोटर फाइबर्स को कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स भी बोलते हैं। मोटर फाइबर्स को क्या बोलते हैं? कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स से लेके पोन्स के न्यूक्लियाई तक जाते हैं। तो सेरिब्रल कोर्टेक्स को पोन्स के न्यूक्लियाई से कनेक्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स। और कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स कहां लाए करते हैं? एंटीरियर लिम्ब में, मतलब इंटरनल कैप्सूल के कौन कौन से एरिया में लाए करते हैं? एंटीरियर लिम्ब में, जेनु में और पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर। ठीक है, अब मोटर फाइबर्स चार तरह के हमारे पास, टोटल चार मोटर फाइबर्स हैं। नंबर वन इज द फ्रंटोपोन्टाइन। हमारे चार रीजन होते हैं ब्रेन में, फ्रंटल लोब, चार लोब्स होते हैं ना, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल। ठीक है, चार होते हैं ना, तो चार पार्ट्स है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ओसिपिटल। तो चारों से फाइबर्स जाते हैं पोन्स के न्यूक्लियाई में, तो हमने इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक फाइबर्स जो फ्रंटल लोब से जा रहे हो पोन्स के न्यूक्लियाई तक, फ्रंटल पार्ट को जो कनेक्ट करे उन्हें बोलते हैं फ्रंटोपोन्टाइन। जो पैराइटल पार्ट को कनेक्ट करे पोन्स के न्यूक्लियाई से वो फाइबर्स है पैराइटोपोन्टाइन। जो ओसिपिटल वाले पार्ट को कनेक्ट करे वो है ओसिपिटोपोन्टाइन, और जो टेम्पोरल पार्ट को कनेक्ट करे तो वो है टेम्पोरोपोन्टाइन। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, टोटल चार फाइबर्स हो गए मोटर में। अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटोपोन्टाइन की। फ्रंटोपोन्टाइन क्या होता है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? मैंने बोला ना, कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रंटल लोब से। इनको पहुंचना कहां है? पोन्स के न्यूक्लियाई पे, जिसको हम बोलते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई, जहां पे क्या करते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई पे ये रिले करते हैं फाइबर्स, और उसके बाद वहां से कहां जाते हैं? ओपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फेयर में, मतलब पोन्स के न्यूक्लियाई पे नहीं रुकते, फ्रंटल लोब से पोन्स के न्यूक्लियाई तक गए, वहां पे रिले किया, और उसके बाद ओपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फेयर में चले जाते हैं। इसलिए इन फाइबर्स को, फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स का दूसरा नाम भी होता है कोर्टिकोपोन्टो सेरिबेलर, क्योंकि कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स से पोन्स तक गए, वहां से सेरिबेलम में भी गए, तो कोर्टिको पोन्टो सेरिबेलर फाइबर्स भी इनको बोलते हैं। उसके अलावा पेराइटोपोन्टाइन और ओसिपिटोपोन्टाइन ये कहां लाए करते हैं? जो पेराइटोपोन्टाइन और ओसिपिटोपोन्टाइन है ये दोनों लाए करते हैं रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल का जो रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट था ना, लेंटिफॉर्म के पीछे की तरफ, उसके अंदर ये लाए करते हैं, ये वाले फाइबर्स उस एरिया से पास करते हैं। देखो मैंने बोला था ना फाइबर्स होते हैं इंटरनल कैप्सूल में, तो वही फाइबर्स कौन से एरिया में कौन से फाइबर्स होते हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, तो पेराइटोपोन्टाइन और ओसिपिटोपोन्टाइन कौन से एरिया में होते हैं इंटरनल कैप्सूल के? रेट्रोलेंटिफॉर्म वाले एरिया में। उसके अलावा टेम्पोरोपोन्टाइन जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? सब लेंटिफॉर्म। हमें पता है टेम्पोरल लोब नीचे की तरफ होती है ना, टेम्पोरल लोब नीचे होती है, और सब लेंटिफॉर्म भी क्या था? लेंटिफॉर्म के नीचे की तरफ था इंटरनल कैप्सूल का पार्ट। तो सब लेंटिफॉर्म पार्ट के अंदर टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर्स लाए करते हैं, जबकि ओसिपिटोपोन्टाइन और पेराइटोपोन्टाइन रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में लाए करते हैं। तो इसका डायग्राम में भी देख लेते हैं, ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये हमारा थैलेमस है, ये हमारा कोडेट न्यूक्लियस है, और बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये पूरा, ये हमारा है इंटरनल कैप्सूल। अब कोडेट और लेंटिफॉर्म के बीच वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया, ये क्या है? एंटीरियर लिम्ब। जो बैंड बना वो क्या है? पोस्टीरियर लिम्ब। लेंटिफॉर्म थैलेमस के बीच वाला एरिया क्या है? पोस्टीरियर लिम्ब। और ये वाला जेनु था, ठीक है, ये जेनु था बीच में बैंड जो था। और जो लेंटिफॉर्म के पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। तो रेट्रोलेंटिफॉर्म से मैंने क्या बताया? मैंने बोला ना रेट्रोलेंटिफॉर्म से पेराइटोपोन्टाइन और ओसिपिटोपोन्टाइन पास करते हैं। तो जो रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है यहां से क्या पास करता है, मतलब क्या लाई करता है यहां पे? ओसिपिटोपोन्टाइन और पेराइटोपोन्टाइन फाइबर्स। जबकि सब लेंटिफॉर्म से क्या पास करते हैं? टेम्पोरोपोन्टाइन। और सब लेंटिफॉर्म यहां पर दिखाई नहीं देगा हमको, तो वो भी हो गया। और फ्रंटोपोन्टाइन जो है, देखो ये लिखा हुआ, ये रहा फ्रंटोपोन्टाइन। फ्रंटोपोन्टाइन जो है वो एंटीरियर लिम्ब से पास करते हैं। ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं ना ऑरेंज ऑरेंज छोटे छोटे फाइबर्स हैं, ये फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स हैं जो एंटीरियर लिम्ब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल कैप्सूल के कौन से लिम्ब में प्रेजेंट है फ्रंटोपोन्टाइन? एंटीरियर लिम्ब में। तो एक एंटीरियर लिम्ब में प्रेजेंट है
फ्रोंटोपोन्टाइन पेराइटो ओसिपिटो रेट्रो लेंटिफॉर्म में प्रेजेंट है और टेम्पोरोपोन्टाइन सब लेंटिफॉर्म में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो मोटर फाइबर्स आते हैं वो है पिरामिडल फाइबर्स। मोटर के अंदर ही नेक्स्ट फाइबर्स कौन से हैं? पिरामिडल फाइबर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। तो हमने पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल ये सब पढ़ा हुआ है हमने पहले भी, जो ट्रैक्स जब हमने पढ़े थे डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो जो पिरामिडल फाइबर्स हैं उसके अंदर आते हैं दो फाइबर्स। पिरामिडल फाइबर्स में कौन कौन से होते थे? एक कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं जो कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स से कहां तक जाते हैं? क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई तक, तो कोर्टिको न्यूक्लियर। और एक होते हैं कोर्टिको स्पाइनल जो सेरिब्रल कोर्टेक्स से स्पाइनल कोर्ड तक जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं। कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स लाए करते हैं जेनू के अंदर। जेनू में अब तक कोई फाइबर नहीं आया था, कोर्टिको न्यूक्लियर लाए करते हैं जेनू के अंदर। कोर्टिको स्पाइनल जो है ये जो है लाए करते हैं जेनू के अंदर, मतलब कोर्टिको न्यूक्लियर भी जेनू में, कोर्टिको स्पाइनल भी जेनू में, लेकिन जेनू में भी होते हैं और ये पोस्टीरियर लिंब में भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। कोर्टिको न्यूक्लियर सिर्फ जेनू में मिलेंगे, जबकि कोर्टिको स्पाइनल को हमने बांटा हुआ है चार पार्ट्स में। एक होते हैं हेड नेक के लिए, कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स फॉर हेड एंड नेक। ठीक है, मसल्स ऑफ हेड एंड नेक, वो कहां लाए करते हैं? जेनू में। उसके बाद कुछ कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं अपर लिंब के लिए, कुछ कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं हमारे ट्रंक के लिए, और कुछ कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं हमारे लोअर लिंब के लिए। तो अपर लिंब, ट्रंक और लोअर लिंब के लिए जो कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स हैं वो लाए करते हैं पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में। पोस्टीरियर लिंब के अंदर लाए करते हैं किस किस का? अपर लिंब, ट्रंक और लोअर लिंब वाले कोर्टिको स्पाइनल। लेकिन जो हेड एंड नेक वाले कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स थे वो जेनू में लाए करते थे। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक और बात, जो पोस्टीरियर लिंब में ये लाए करते हैं ना, ये अपर लिंब, ट्रंक और लोअर लिंब वाले कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, ये सीक्वेंस में होते हैं, मतलब ऊपर अपर लिंब वाला मिलेगा, उसके नीचे ट्रंक वाला मिलेगा, उसके नीचे लोअर लिंब वाले फाइबर्स मिलेंगे, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। तो ये हो गया कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिकोस्पाइनल। एक्स्ट्रा पिरामिडल की बात करें तो एक्स्ट्रा पिरामिडल में भी दो आते हैं, एक कॉर्टिको स्ट्राइट और एक कॉर्टिको रूब्रल। नाम में ही है, कॉर्टिको स्ट्राइट का क्या मतलब हुआ? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कहां जा रहे हैं? कॉर्पस स्ट्रिएटम के अंदर। कोर्टिको रूब्रल का क्या मतलब हुआ? कोर्टेक्स से कहां जा रहे हैं? रेड न्यूक्लियस तक। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स सेरिब्रल कोर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और पहुंचते कहां हैं? कोर्टिकोस्ट्राइट कॉर्पस स्ट्रिएटम में जाता है, कोर्टिको रूब्रल रेड न्यूक्लियस में जाता है, और कोर्टिको रूब्रल जो है ये लाए करता है पोस्टीरियर लिंब के अंदर। अब जितने भी आ रहे हैं वो लगभग पोस्टीरियर लिंब जेनू में ही है। ठीक है, एंटीरियर लिंब में हमने सिर्फ एक पढ़ाया अभी तक, फ्रोंटो पोन्टाइन फाइबर्स। ठीक है, और सब लेंटिफॉर्म रेट्रो लेंटिफॉर्म में भी वही वाले पढ़े थे जो पीछे हमने पढ़े हैं अभी। तो कोर्टिको रूब्रल कहां लाए करता है? पोस्टीरियर लिंब के अंदर। तो अब इनको भी एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो, इस वाले डायग्राम में हमने फ्रोंटोपोन्टाइन देख लिए थे, उसके बाद जो ये वाला आपको दिख रहा है जेनू के अंदर क्या लाए कर रहा है? देखो ये रहा, जेनू के अंदर कोर्टिको न्यूक्लियर लाए कर रहे हैं, साथ ही साथ कोर्टिको स्पाइनल भी लाए करते हैं। हेड एंड नेक वाले यहीं पे मिलेंगे, इस डायग्राम में नहीं है लेकिन यहीं पे साइड में ही प्रेजेंट होते हैं कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स भी हेड एंड नेक के लिए। अब कोर्टिको स्पाइनल फाइबर जो अपर लिंब, ट्रंक और लोअर लिंब के थे, ये मैंने कहां बताया था? पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में। तो ये देखो, ऊपर अपर लिंब के लिए, नीचे ट्रंक के लिए, और नीचे चलेंगे तो लोअर लिंब के लिए, तो सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं ये। किस में प्रेजेंट है? पोस्टीरियर लिंब के अंदर। उसके अलावा जो ये और फाइबर्स दिख रहे हैं, अभी मैंने बताया ना कोर्टिको रूब्रल भी कहां प्रेजेंट था? पोस्टीरियर लिंब में। तो पोस्टीरियर लिंब में हमको ये तीन तो मिलेंगे, उसके साथ साथ कोर्टिको रूब्रल भी मिलेगा। ये रहा कोर्टिको रूब्रल फाइबर्स। ठीक है, तो पोस्टीरियर लिंब में ये प्रेजेंट है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? एंटीरियर लिंब में हमने पढ़ा है फ्रोंटोपोन्टाइन, सिर्फ वही पढ़ा है अभी तक। जेनू में पढ़े हैं दो, कोर्टिको न्यूक्लियर भी, कोर्टिको स्पाइनल भी। कोर्टिको स्पाइनल में कौन से? हेड एंड नेक वाले। पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में हमने पढ़े चार, कौन कौन से चार? कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स फॉर अपर लिंब, फॉर ट्रंक एंड फॉर लोअर लिंब। तीन तो ये हो गए, उसके अलावा कोर्टिको रूब्रल फाइबर्स। उसके अलावा रेट्रोलेंटिफॉर्म में हमने रेट्रोलेंटिफॉर्म में हमने पढ़े दो, ओसिपिटोपोन्टाइन और पेराइटोपोन्टाइन। और सबलेंटिफॉर्म में पढ़े कौन सा? टेम्पोरोपोन्टाइन, जो पीछे पढ़ा था अभी। अब बात करते हैं और जो नेक्स्ट फाइबर्स है, तो हमने ये तो बात कर ली पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल। अब आते हैं सेंसरी फाइबर्स। मोटर फाइबर्स अब खत्म हो गए हैं, अब आते हैं सेंसरी फाइबर्स जो कहां से कहां जाएंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब उनमें कोर्टेक्स वर्ड बाद में आएगा, ये बात ध्यान देना, कोर्टेक्स वर्ड बाद में आएगा। तो जो सेंसरी फाइबर्स हैं उनको हम बोलते हैं थैलेमोकोर्टिकल। थैलेमोकोर्टिकल मतलब थैलेमस से कोर्टेक्स, थैलेमस से सेरिब्रल कोर्टेक्स तक जाने में बीच में आता है इंटरनल कैप्सूल। तो थैलेमोकोर्टिकल फाइबर्स जो है वो इंटरनल कैप्सूल के थ्रू पास करके ही
आगे कोर्टेक्स में जाते हैं। तो थैलेमोकॉर्टिकल क्यों बोला है, क्योंकि ये थैलेमस से सेरिब्रल कोर्टेक्स में जा रहे हैं। और ये क्या बनाते हैं, थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स क्या बनाते हैं, थैलेमिक रेडिएशन, क्या बोलते हैं उसको, थैलेमिक रेडिएशन। और इसमें कौन से फाइबर्स होते हैं, हमने पढ़ा है कि थैलेमस थर्ड ऑर्डर न्यूरोन का काम करता है। जो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स होंगे ये थर्ड ऑर्डर न्यूरोन फाइबर्स हैं, याद रखना इस बात को। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब बात हम कर चुके हैं असेंडिंग ट्रैक्स के अंदर। तो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, अब ये थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स क्या बना रहे हैं, थैलेमिक रेडिएशन। अब इस तरह से हमारे पास चार थैलेमिक रेडिएशन होती है, ध्यान देना इस वाले डायग्राम में ध्यान देना। अब ये देखो नीचे से फाइबर्स आ रहे हैं, कुछ फाइबर्स आगे की तरफ गए, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। कुछ फाइबर्स आगे की तरफ गए, ये सेंसरी फाइबर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो फाइबर्स आए आगे की तरफ चले गए, जो आगे की तरफ गए उन्होंने बनाया एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। कुछ फाइबर्स आए पीछे की तरफ चले गए, पीछे वालों ने क्या बनाया, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। कुछ फाइबर्स आए और ऊपर की तरफ चले गए, इन्होंने बनाया सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। और कुछ फाइबर्स आए और नीचे की तरफ चले गए, इन्होंने बनाया इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। जो चार थैलेमिक रेडिएशन है, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन एंड इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, यही चार रेडिएशन कौन बनाता है, सेंसरी फाइबर्स बनाते हैं। तो इंटरनल कैप्सूल के सेंसरी फाइबर्स में आता है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। सबसे पहले बात करें एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अब भाई आ तो रहे हैं थैलेमस से, ओवरऑल तो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स ही हैं, तो थैलेमस से आ रहे हैं। तो ये जो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन वाले फाइबर्स हैं ये कहां से आते हैं, एंटीरियर और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई। थैलेमस में याद रखना बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनमें से होता है एंटीरियर और डोर्सोमीडियल जो न्यूक्लियाई है, वहां से आते हैं एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन के फाइबर्स। और टर्मिनेट कहां करेंगे, अब भाई एंटीरियर है आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे क्या होती है, फ्रंटल लोब, तो ये कॉर्टेक्स और फ्रंटल लोब में एंड करते हैं। और कहां से, इंटरनल कैप्सूल के कौन से एरिया से पास करते हैं, एंटीरियर लिम्ब से। तो एंटीरियर लिम्ब में हमने पहले एक पढ़ा था अब तक, कौन सा, फ्रंटोपोन्टाइन, अब दूसरा जुड़ गया उसके अंदर, कौन सा, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। तो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन एंटीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से पास करता है। अब बात करें सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, अब सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन ऊपर की तरफ जाना है, आते कहां से हैं, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ध्यान देना थैलेमस के न्यूक्लियस याद होने चाहिए सारे। थैलेमस के दो न्यूक्लियस तो हमने यहां पढ़ लिए, एंटीरियर और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, एक हमने पढ़ लिया ये वाला वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो है, वहां से फाइबर्स कहां जाते हैं, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन बनाते हैं। तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से फाइबर्स आए और कहां पहुंच गए, सेंसरी एरियाज ऑफ, अब ऊपर की तरफ पैराइटल लोब भी जुड़ जाती है, पहले एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन तो आगे जा रहा था, आगे सिर्फ एक लोब होती है फ्रंटल लोब, अब ये वाले सुपीरियर वाले ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ हमारे पास दो लोब्स आ जाएंगे यहाँ पे, फ्रंटल और पैराइटल लोब में ये एंड करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब में। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन कहाँ था, एंटीरियर लिम्ब में, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन होता है जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर। उसके अलावा बात करें इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन की, नीचे की तरफ जाना है, नीचे क्या था, टेम्पोरल लोब, तो टेम्पोरल लोब ऑडिटरी काम करती है ना, तो इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, याद रखना। अब ये दो और हमारे पास न्यूक्लियस आ रहे हैं, एक होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और एक होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो जो इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन है, याद रखना इन्फीरियर वर्ड है, इन्फीरियर मतलब नीचे जा रहे हैं, नीचे होती है टेम्पोरल लोब, तो ये जो ये वाला जो रेडिएशन है ये कनेक्ट करता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स। भाई टेम्पोरल लोब का काम सुनने में ही तो काम आता है ना, तो ऑडिटरी कोर्टेक्स के अंदर ये जाते हैं। तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स से कौन कनेक्ट करता है, इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन। और भाई इन्फीरियर है, अब इंटरनल कैप्सूल का एक ही हमने पार्ट पढ़ा था जो नीचे की तरफ होता है, लेंटिफॉर्म से नीचे की तरफ, कौन सा, सब लेंटिफॉर्म पार्ट। तो इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन कहां से पास करता है, सब लेंटिफॉर्म पार्ट से। अब जो लास्ट बचा पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, जाना कहां है, पीछे, पीछे कौन सी लोब है, ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब देखने में मदद करती है। तो जो इन पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन है ये कनेक्ट करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को, अब मीडियल लेटरल में कंफ्यूज मत होना, मीडियल वाला ऑडिटरी वाले के काम आया, लेटरल वाला ऑप्टिक वाले देखने में काम आएगा, ठीक है। तो कनेक्ट करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को एरिया 17, एरिया 17 देखने में मदद करता है ना, तो एरिया 17 से कनेक्ट कर रहा है और बना क्या रहे हैं, ऑप्टिक रेडिएशन, याद रखना ये ऑप्टिक रेडिएशन है, वो ऑडिटरी रेडिएशन है, ऑप्टिक रेडिएशन ये वाला। तो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, फिर से बता रहा हूं कैसे याद रखो,
पोस्टीरियर वर्ड है, पीछे होता है ओसीपिटल लोब। ओसीपिटल लोब मतलब देखने में मदद करेगा, तो ये ऑप्टिक रेडिएशन बनाते हैं। और पीछे की तरफ कौन सा पार्ट था हमारा, सबसे पीछे की तरफ इंटरनल कैप्सूल का कौन सा पार्ट था, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। तो इजी हो गया ना, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन रेट्रोलेंटिफॉर्म से पार्ट करे, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट से पास करेगा। इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन सबलेंटिफॉर्म से पार्ट पास करेगा। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब से, और एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन एंटीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से। तो भाई इसमें सारे ही तो कवर हो गए, पूरा इंटरनल कैप्सूल कवर हो गया। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन में एंटीरियर लिम्ब आ गया, सुपीरियर वाले में जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब आ गया, इन्फीरियर वाले में सबलेंटिफॉर्म आ गया, और पोस्टीरियर वाले में रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट आ गया। जो आखिरी दो जो थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले दो, एक ऑप्टिक रेडिएशन वाला और एक ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला। मीडियल और लेटरल जेनिकुलर बॉडी में कंफ्यूज मत होना, बस सिर्फ यही चीज याद रख लेना, हो जाएगी चीजें। अब इसको डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये वाला डायग्राम जो ये आगे ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। हो गया ना बात, जो मैंने बोला था एंटीथैलेमिक रेडिएशन कहाँ है, एंटीरियर लिम्ब में। फिर मैंने बोला था सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, देखो ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर। तो जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब में सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है। उसके अलावा दो पड़े थे, कौन सा, एक इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन और एक पोस्टीरियर वाला। ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी रही, इससे ये किसको कनेक्ट करेगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से कनेक्ट कर रही है। पास कहां से कर रही है, रेट्रोलेंटिफॉर्म सॉरी सबलेंटिफॉर्म पार्ट से पास करेगी, इसलिए मैंने इसको डॉटेड दिखाया, ये नीचे से पास कर रही है। ठीक है, तो जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को ऑडिटरी रेडिएशन जो बना रही थी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से जो कनेक्ट करवा रही थी, वो कौन सी थी हमारे पास, इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन, तो वो सबलेंटिफॉर्म से पास करती है। और ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, इसको एरिया नंबर 17 से जो कनेक्ट करा रही थी, ये वाली, ये कहां से पास कर रही है, रेट्रोलेंटिफॉर्म से। तो ये डायग्राम बहुत जरूरी है फाइबर्स के लिए, अगर फाइबर्स पूछे जाए तो एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सब कुछ ही लिखना पड़ता है। तो ये हमने बात कर ली इंटरनल कैप्सूल की। अब जो लास्ट बच गया इंटरनल कैप्सूल में, वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। अब ब्लड सप्लाई पूरी डिटेल में तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, जब मैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन कराऊंगा और सर्कल ऑफ विलिस जब हम करेंगे। अभी मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता देता हूं, कैसे याद करना, जिन्होंने पढ़ रखी है ब्लड सप्लाई उनके लिए इजी हो जाएगी ब्लड सप्लाई याद करना। तो हमारे पास टोटल पांच चीजें थी, एंटीरियर लिम्ब, जेनु, पोस्टीरियर लिम्ब, सबलेंटिफॉर्म पार्ट एंड रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है, एंटीरियर लिम्ब सबसे आगे, तो एंटीरियर लिम्ब में जो मेन आर्टरी सप्लाई करती है वो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर लिम्ब इजी हो गया, कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में याद रखना है, एक तो उसकी रिकरेंट ब्रांच सप्लाई करती है और एक उसकी डायरेक्ट ब्रांच। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी डायरेक्टली भी सप्लाई करती है और उसकी एक ब्रांच निकलती है जिसे रिकरेंट ब्रांच बोलते हैं, वो भी सप्लाई करती है एंटीरियर लिम्ब को। जेनु की बात करें, जेनु में आती है डायरेक्ट ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, और एक और आर्टरी जो सप्लाई करती है वो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, अब बात करें पोस्टीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब में मेन आर्टरी है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो याद करने का तरीका है, एंटीरियर लिम्ब में मेन आर्टरी कौन सी थी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर लिम्ब में मेन है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मिडल वाली मेन है पोस्टीरियर वाले में। ठीक है, अब कौन कौन सी ब्रांचेस, मिडल सेरिब्रल की लेटरल स्ट्रिएट ब्रांचेस और मीडियल स्ट्रिएट ब्रांचेस। तो मिडल सेरिब्रल की लेटरल स्ट्रिएट और मीडियल स्ट्रिएट ब्रांचेस, उसके अलावा एक और आर्टरी सप्लाई करती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। सबलेंटिफॉर्म पार्ट की बात करें तो सबलेंटिफॉर्म में सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और रेट्रोलेंटिफॉर्म में भी सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब सबलेंटिफॉर्म को कौन सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और रेट्रोलेंटिफॉर्म को भी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो इजी है, बस सबलेंटिफॉर्म में याद रखना है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब एंटीरियर कोरोइडल हमने कहां कहां पढ़ा, एंटीरियर कोरोइडल हमने पढ़ा पोस्टीरियर लिम्ब में भी और सबलेंटिफॉर्म पार्ट में भी, तो ये याद रख लेंगे। उसके अलावा मेन जो याद रखना है ये है कि एंटीरियर लिम्ब में मेन है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर लिम्ब में मेन है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और सब लेंटिफॉर्म और रेट्रो लेंटिफॉर्म में याद रखना पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये तीन मेन आर्टरीज होती है ना हमारे ब्रेन के लिए, तो वो तीनों मैंने बता दी। जेनु में याद रखना है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से डायरेक्ट ब्रांचेज हमें मिलती है। तो ये हमने बात कर ली इंटरनल कैप्सूल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। थैंक यू।